नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। खबर भोपाल से है, जहां आज सहरिया समाज को सौगात देंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। श्योपुर में पीएम आवास योजना स्पेशल प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे, तो वहीं 19,166 हितग्राहियों को इसका लाभ दिया जाएगा। बता दें 260 करोड़ रुपए का लाभ दिया जाएगा। केंद्र ने जारी किया है 260 करोड़ का विशेष पैकेज। बड़ी और अहम जानकारी भोपाल से दे रहे हैं, जहां करोड़ों के विकास कार्यों का लोकार्पण भी करेंगे और भूमि पूजन भी करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल होंगे। बता दें सहरिया समाज को आज सीएम शिवराज सिंह चौहान सौगात देने वाले हैं। बड़ी और अहम जानकारी बता रहे हैं, इस कार्यक्रम में नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल होंगे। सहरिया समाज को सौगात देंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। बड़ी और अहम जानकारी बता रहे हैं, जहां श्योपुर में पीएम आवास योजना स्पेशल प्रोजेक्ट का शुभारंभ भी करेंगे, तो वहीं 19,166 हितग्राहियों को 260 करोड़ रुपए का लाभ मिलेगा। केंद्र ने जारी किया है 260 करोड़ का विशेष पैकेज। करोड़ों के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। सहरिया समाज को सीएम शिवराज सिंह चौहान आज सौगात देंगे, एक तरह से तोहफा दिया जाएगा। श्योपुर में पीएम आवास योजना स्पेशल प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे। मेरी सहयोगी अमृतांशी जोशी भोपाल से हमारे साथ जुड़ी हुई है। अमृतांशी, सहरिया समाज को आज सीएम शिवराज सिंह चौहान सौगात देने वाले हैं, क्या कुछ कार्यक्रम है आज? जी बिल्कुल, सीएम शिवराज आज श्योपुर दौरे पर रहने वाले हैं और इसी दौरान वो सहरिया समाज, जो कि एक आदिवासी समाज है, उसको खास सौगात देने वाले हैं। इस दौरे के दौरान सीएम शिवराज 11 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण करने वाले हैं, साथ ही साथ 138 करोड़ के कार्यों का वो भूमि पूजन भी करने वाले हैं। मैं आपको बता दूँ कि पीएम आवास योजना के तहत 260 करोड़ का लाभ वो सहरिया समाज को देने जा रहे हैं। सहरिया समाज एक आदिवासी समाज है, जिसमें 19,000 से भी ज़्यादा हितग्राहियों को आज ये लाभ मिलेगा, जो कि 260 करोड़ का है। आपको बता दें कि केंद्र की तरफ से 260 करोड़ का खास पैकेज जारी किया गया था पीएम आवास योजना के तहत, और इस पैकेज की डिमांड खास केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने की थी केंद्र से, जिसको पैकेज को अप्रूव कर दिया गया है, जिसको आगे बढ़ा दिया गया है और जिसी के तहत सीएम शिवराज आज ये सौगात देने वाले हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी इस कार्यक्रम में खास तौर पर शामिल होने वाले हैं, साथ ही साथ जो प्रभारी मंत्री भरत सिंह कुशवाहा हैं, वो भी इस कार्यक्रम में खास शामिल होंगे। 19,000 से भी ज्यादा हितग्राहियों को ये लाभ मिलने वाला है, जिसकी कीमत 260 करोड़ बताई जा रही है। खास वजह ये है ये लाभ देने की हितग्राहियों को पीछे, कि वो लोग आसानी से अपना जीवन यापन कर सके, और खासकर पलायन की जो समस्या आती है इन हितग्राहियों के बीच में, आदिवासियों के बीच में पलायन की जो समस्या है, जिसको दूर किया जा सके और उन्हें एक अपना घर मिल सके, इसी के चलते 260 करोड़ का ये पीएम आवास योजना का पैकेज जो केंद्र से जारी किया गया है, आज सीएम शिवराज इसका लोकार्पण करने वाले हैं। कार्यक्रम कितने बजे शुरू होगा और इस कार्यक्रम की क्या क्या तैयारियां कर ली गई हैं अब तक? जी, ये 12 बजे से ये कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। सीएम शिवराज श्योपुर पहुंचेंगे, वहां पर वो कई अन्य स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होकर लोकार्पण भी करेंगे कई विकास कार्यों का, और 12 बजे से इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। जिला प्रशासन पूरी तैयारियों में जुटा हुआ है। करहाल जिला प्रशासन जो है पूरी तैयारियां उन्हें कर चुकी है। बड़े स्तर पर ये कार्यक्रम होने जा रहा है और प्रशासन ने अच्छी खासी तैयारियां करके रखी है, क्योंकि सीएम शिवराज के साथ साथ केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रभारी मंत्री भरत सिंह कुशवाहा भी शामिल होंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमृतांशी हमें तमाम जानकारी देने के लिए।